मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश के हरदोई के स्वास्थ्य विभाग का बड़ा कारनामा सामने आया। एक साल के अंदर ही 1235 महिलाएं दो बार मां बन गई। यही नहीं, इन सभी को साल भर में दो बार जननी सुरक्षा योजना का लाभ तक मिला। स्वास्थ्य विभाग के ऑडिट में इसका खुलासा हुआ है। सरकारी धन हड़पने के लिए यह फर्जीवाड़ा किया गया है। अब आपको यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि यह फर्जीवाड़ा आखिर हुआ कैसे। आपको पहले बता दें कि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को कुछ धनराशि दी जाती, जिससे कि गरीब माँ अपने शिशु की अच्छी परवरिश यानी कि देखभाल कर सके और उसको कुपोषण से दूर रख सके। लेकिन हरदोई में एक साल के अंदर 1235 ऐसी महिलाओं को दो बार माँ बना दिया गया। दरअसल जमीनी हकीकत यह नहीं, असल में ये महिलाएं एक बार ही माँ बनी और इन्हें एक बार ही इस योजना के तहत पैसा मिला। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार लोगों ने इन 1235 महिलाओं को कागजों पर दोबारा मां बनाकर सरकारी धन हड़प लिया। सीएमओ सूर्यमणि त्रिपाठी के मुताबिक ऐसे लोगों को नोटिस के माध्यम से सरकारी धन कोष में जमा कराए जाने के निर्देश दिए जाएंगे। ऐसा न करने पर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी कि धांधली कर ली, सिर्फ पैसा जमा करवा रहे हैं, ये बड़ी हैरत अंगेज बात है। तो ये रोचक समाचार हरदोई से। जननी सुरक्षा के संबंध में समाचार पत्र के माध्यम से भी और हमारे पास रिकॉर्ड में भी जो ऑडिट ऑब्जेक्शंस है उसमें कुछ मामले अलग अलग सीएससी से संबंधित हैं, जिनमें कि डबल पेमेंट हो गए ऐसा कहा गया है ऑडिट ऑब्जेक्शन में। उसके लिए हमने पत्र जारी कर दिया है संबंधित को और मैंने स्पष्ट कह दिया है कि ये जो डबल पेमेंट हुए हैं, संबंधित लोग इसको सुनिश्चित करें कि पैसा सरकार के कोष में जमा हो, अन्यथा की स्थिति में आपके विभाग आपके खिलाफ वित्तीय अनियमितता की कार्रवाई भी करूँगा और उनको चेतावनी देते हुए मैं कहूँगा। सर टोटल कितने मामले हैं? टोटल मामले तो हम फाइल देखते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।